क्वेश्चन, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे तुरंत हो जाएगा। आइए बोर्ड पे। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जैसे आपको दिखा दिया गया पहले, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन है, कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मास एम कंसीडर कर लीजिए। ये कहना चाह रहा है किसको ऊपर सरकाने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता है जिससे ये ऊपर चलना शुरू कर दे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, जस्ट मीन्स चलाना शुरू कर दे बस, और एक वह कि नीचे फिसलना, फिसलने से जस्ट प्रिवेंट, इतना फोर्स लगाएं कि नीचे फिसलने से बाल बाल बच जाए। ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स का, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइंड प्लेन इज 3 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइड, 3 गुना है इट इज गिवन। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, वेट mg, रिएक्शन r, 45 mg cos 45 mg sin। बोर्ड क्लियर आ रहा है ना सब कुछ के लिए? बहुत अच्छा। इसके कंपोनेंट हो चुके हैं, अभी ऊपर फिसलने की तैयारी में, इतना फोर्स लगा दिया गया है कि अभी ऊपर फिसलने की तैयारी में, साथ म्यू आर नीचे की तरफ पूरी तरह से लग चुका हो, ओके, और ये जैसे म्यू आर अटेंड हुआ है उसी वक्त का फोर्स एफ वन है, इससे ज्यादा लगा दोगे तो एक्सीलरेटेड मोशन के साथ चल पड़े। इट इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप इन अप डायरेक्शन अलोंग प्लेन। So in first case, this F1 is just equals mu r plus mg sin 45. Mu is mu, r is balanced by mg cos 45, 1/2 plus mg sin 45, 1/2. So mg upon under root 2 take as common mu plus 1. First case, second case, weight mg, reaction r 45, mg cos 45, mg sin 45, F2 लगाके जस्ट रोका जा रहा है, नहीं तो निश्चित फ्रिक्शन की तैयारी में, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, बस ये अंतर है, बस इतना अंतर है कि जब नीचे फिसलने के लिए तैयार तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, और जो ऊपर जाने की तैयारी में तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे, बस इतना अंतर है। तो सेकंड केस, F2 प्लस म्यू आर कंबाइंड बैलेंस mg sin 45, सो F2 इज इक्वल टू mg sin 45 1/2 माइनस म्यू आर, माइनस म्यू आर इज इक्वल टू mg cos 45 1/2, so mg by under root 2 take as common 1 minus mu, okay। Now according to question,
एफ वन इज थ्री टाइम्स ऑफ एफ टू, सो एफ वन इज एम जी बाय अंडर रूट टू म्यू प्लस वन थ्री, दिखाई दे रहा बोर्ड में सर, थोड़ा सा बैंड कर देना चाहिए, ये लीजिए सब सही है। थ्री टाइम्स ऑफ एफ टू इज एम जी बाय अंडर रूट टू वन माइनस म्यू, एम जी बाय अंडर रूट टू, एम जी बाय अंडर रूट टू म्यू प्लस वन इक्वल टू थ्री माइनस थ्री म्यू, प्लस थ्री म्यू हो जाएगा, देखिए है फोर म्यू इज इक्वल टू थ्री माइनस वन टू, सो म्यू इज वन अपॉन टू। वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो स्मॉल सॉरी कैपिटल एन की वैल्यू टेन म्यू है, कैपिटल एन की वैल्यू टेन म्यू है, तो एन की इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी, टेन इंटू वन अपॉन टू इज इक्वल टू फाइव इज अ वेरी गुड आंसर, दिखाई दे रहा बोर्ड पहली बात तो दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात क्या था क्वेश्चन में, ब्लॉक जिधर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, फ्रिक्शन फोर्स उसके ओपोजिट लग रहा है और मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर चुका है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्लीन क्वेश्चन, और बोर्ड क्या बताया था मैंने भी, बोर्ड सॉरी जेईई 2001 में आया हुआ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होते हैं सारे, कूल माइंड के साथ स्माइलिंग के साथ क्वेश्चन करते रहें, धुआंधार होते चले जाए, हाँ मूल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए वो भी स्माइलिंग के साथ। ओके गुड नाइट।